अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, मगर ये सबसे अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें बस दो तीन वर्डों का बस क्या करना है, इधर उधर करना है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा हूँ। आप उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस आएंगे और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज करो ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इक्वल इंटरवल में ले रहा हूं, मीन्स हर दो दो सेकेंड पर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी पोजीशन देख रहा हूं कि कितना पोजीशन डिस्प्लेस कर रही है। तो लेट सपोज करिए कि अगर मैंने दो सेकेंड में देखा चार मीटर डिस्प्लेस कर रही है, फिर मैंने दो सेकेंड बाद देखा फिर भी चार मीटर डिस्प्लेस कर रही है, फिर मैंने दो सेकेंड बाद देखा तो चार मीटर डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो इंटरवल होगी, मीन्स द इंटरवल ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। मीन्स कि अगर टाइम इंटरवल में सेम ले रहा हूं, अगर दो दो सेकेंड में कंसिडर कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट जो मेरा आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, चार चार मीटर का, मतलब हर दो सेकेंड में चार ही मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, हर दो सेकेंड में चार ही मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ क्या होगा, कवर्स, अगर ऐसे इन सेंस बोले कि अगर मैं ये कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने दे दी 3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स हर सेकेंड, अब इंटरवल इसका क्या हो गया, पर सेकेंड, मीन्स हर सेकेंड, हर सेकेंड ये 3 ही मीटर डिस्प्लेस करेगा, 1 सेकेंड 3 मीटर डिस्प्लेस किया, फिर 1 सेकेंड 3 मीटर डिस्प्लेस किया, फिर 1 सेकेंड 3 मीटर डिस्प्लेस किया। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है वो सेम रह रहा है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मैं 2 सेकंड इंटरवल लेता हूं टाइम का तो हर 2 सेकंड में मेजर करूंगा तो क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर मैं 4 सेकंड लेता हूं तो हर 4 सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज लिख दीजिए, अ पार्टिकल इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मूव्स अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन, मीन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, एंड कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, अगर यह स्पीड होगा तो डिस्टेंस की बात होगी, और जब स्पीड होगा तो उस पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो ये आप क्या कर देंगे, नहीं लिखेंगे, बस इतना सही चेंज है, बाकी सब के सब सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा वहां पर, डिस्टेंस, और ये फिक्स डायरेक्शन हट जाएगी और आपकी यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम however small these interval of time may be, means अगर मैं ये छोटा सा इंटरवल लू, चाहे ये बहुत बड़ा वाला इंटरवल लू या मैं इतना छोटा सा इंटरवल लू, इन सब में क्या होगा, सेम हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, मीन्स वेलोसिटी सेम मिलेगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, और आपको मालूम है कि अगर स्पीड को मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ये एस जो यहां डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगी। मींस ये जो स्लोप होगा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये स्लोप मिलेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, इस ग्राफ का मतलब यही है कि जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मीन्स ये जो एंगल थीटा है और ये छोटे वाले पे जो एंगल थीटा होगा, इस पे जो एंगल होगा और इस पे जो एंगल होगा वो क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का मतलब क्या होगा, टेन थीटा मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस इंटरवल को लेता हूं तो क्या होगा, इसको मैं S1 बोल देता हूं और इसको क्या बोल देता हूं, S2 बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन
इस टाइम को मैं क्या बोल देता हूँ, टी वन, और इसको बोल देता हूँ टी टू, तो क्या आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो ये जो इंटरवल है ये क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है, और जो ये है ये क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम इंटरवल का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टाइम टेकन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, इनिशियल और फाइनल जो टाइम होगा उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या देता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देता है हमें, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। मीन्स आपको ये भी प्रॉपर्टी मालूम होगी ज्योमेट्री से कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर मैं ये एंगल खींचता हूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सेम चीज यहां है, इस लाइन के पैरेलल ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और ये भी लाइन है। तो मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या देगा, हमें कॉन्स्टेंट स्लोप देगा। और वही चीज नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगी, स्लोप वेरी करेगा, डायरेक्शन वेरी कर सकता है, या दोनों वेरी कर सकता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक। यहां पे यहां जहां फिक्स डायरेक्शन थी वहां डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट था वो अब क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, बट इंटरवल हमें हमेशा इक्वल लेना है, ठीक है। अगर हमने कंसीडर कर लिया कि हमें हर दो सेकंड पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, कि हर दो सेकंड पे क्या होगा, तीन मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर अगले दो सेकंड में भी तीन मीटर का होना चाहिए, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हर दो सेकंड के हम मेजरमेंट ले रहे हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले दो सेकंड में तीन मीटर डिस्प्लेस किया, अब नेक्स्ट दो सेकंड में क्या करेगा, वो पांच मीटर डिस्प्लेस कर सकता है, छह मीटर डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से साइकिल नहीं चला सकते, हमें वेरी कराना पड़ता है, कभी भीड़ रहती है तो ब्रेक भी लगाना पड़ता है, तो क्या होती है, स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है, या वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जो हमारा रियल लाइफ का केस है, मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, बस यहां पर क्या होगा, फिक्स डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो इक्वल इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल इंटरवल हो जाएगा, और बाकी सारी की सारी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या, द वेलोसिटी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल, क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो एस टू माइनस एस वन मेरा हर बार सेम आ रहा था, वो हर बार सेम नहीं आएगा इसमें। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, या तो अनइक्वल इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो क्या करें अपनी डायरेक्शन चेंज करें, या फिर दोनों करें, डायरेक्शन भी चेंज करें और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। ग्राफ से ही देख सकते हैं, इसकी पोजिशन यहां पर होगी, इसकी पोजिशन यहां पर होगी, यहां पोजिशन क्या होगी, यहां पर होगी। देखिए डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, अगर मैं किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचता हूं तो वो डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी की, क्योंकि हर जगह चेंज होती जा रही है। मीन्स यहां पे जो थीटा रहेगा और यहां पे जो थीटा रहेगा और यहां पे जो थीटा रहेगा, वो सब क्या करेंगे, चेंज होंगे। मीन्स स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट व्हेन पार्टिकल मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी की बेसिस पे अब कॉन्सेप्ट आता है कि यहां तो चलिए ठीक है कि वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट यहां क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तब हम कॉन्सेप्ट लाते हैं एवरेज का। तो देखिए यहां नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड के लिए क्या करेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे जनरल चीजें बता दी है, आप स्पीड का खुद लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से हम लोगों को कॉन्सेप्ट लाना पड़ा एवरेज का, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, एवरेज का। तो अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड की बात करते हैं, हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड दोनों की बात कर ली, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अब देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एक नॉर्मल सा एक केस लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, फिर समझिए कि ये डेफिनेशन क्या है। अगर नॉर्मल मैथमेटिक फॉर्म में अगर आपको डेफिनेशन लिखने से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
अपॉन टोटल टाइम टेकन, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की होगी और उस पर जितना टाइम लगा होगा टोटल, उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है ये जनरल डेफिनेशन है, मीन्स जो हम लोग रियल लाइफ में फील करते हैं। अब एक एग्जाम्पल साफ समझिए कि आप घर से निकले मार्केट के लिए, ठीक है, एस से निकले एम के लिए, मीन्स हाउस से निकले या होम से निकले मार्केट के लिए। अब देखिए रास्ते में चल रहे हैं आप, बीच में आपको कोई दोस्त मिल गया, ठीक है, फिर उसके बाद अलग स्पीड से गए, यहां पहुंचे, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, मीन्स यहां से यहां तक आप लेट सपोज करिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और यहां से आप गए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मगर जब हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जो एवरेज स्पीड होती है वो हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, मीन्स क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, मगर जो स्टडी करेंगे हम मोशन वो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड पर। देखिए स्पीड वेरी कर रही है, मगर जब हम एक्स से लेकर एम तक की जो हम एवरेज डिस्टेंस लेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि वो एवरेज डिस्टेंस क्या होगी कि हर सेकेंड इतनी डिस्टेंस हमने कंप्लीट की होगी, क्या की होगी की बात कही है, मीन्स हो रही है, ये नहीं है, हो रही होगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं तो अगर मैं लेट सपोज करिए इसकी एवरेज स्पीड, अभी तो मैंने कैलकुलेट नहीं की, लेट सपोज करिए 3 किलोमीटर पर आ रहा अभी, ठीक है, ये एवरेज स्पीड आई इस केस के लिए, मान लीजिए वैसे आएगी नहीं, कुछ चेंज ही होगा अगर मैं डिस्टेंस बता दूंगा। लेट सपोज करिए एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब होम से लेकर मार्केट तक ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, मतलब हर किलोमीटर ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। बट रियलिटी में क्या है, पहले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, यहाँ पर दोस्त से मिला, मतलब समझ लीजिए 2 मिनट के लिए यहाँ रुका, वो भी टाइम कंसिडर किया जाएगा, फिर अलग स्पीड से चला। तो देखिए एक्चुअल में क्या रहा है, स्पीड वेरी कर रही है, क्या वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है। पर जब हम एवरेज स्पीड लेते हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि भैया की स्पीड अलग अलग है, नहीं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि इसका मतलब इस पूरे केस में जो एवरेज स्पीड थी वो 3 किलोमीटर पर आर, मीन हर आर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था यहां तक जाने में, यहां पे भी 3 किलोमीटर, 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 यहां पे भी 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा था। बट एक्चुअल में क्या था, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया, यहां से यहां 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया। तो एवरेज स्पीड क्या देती है, एक कांस्टेंट स्पीड देती है एक पर्टिकुलर मोशन के लिए, ठीक है। एक्चुअल में हाई टाइम इंटरवल पे उसकी स्पीड चेंज कर देगी, यहां से यहां तक स्पीड चेंज है, यहां से यहां तक स्पीड चेंज है, मगर एवरेज की अगर बात करें तो वो क्या करेगी, किसी मोशन की क्या देगी, हमें कॉन्स्टेंट स्पीड देगी, स्पीड चेंज नहीं करेगी। अब देखिए अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो क्या होगा, हर आर क्या होगा, 3 3 3 3 3 3 सेकेंड, 3 3 3 3 किलोमीटर हर आर क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा एवरेज स्पीड। बट एक्चुअल में नहीं होता है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, मगर एवरेज स्पीड ले लेने से हम एक मोटा मोटा क्या कहते हैं, रफली आइडिया लगाते हैं कि भैया अगर ये बंदा ऐसे आ रहा होगा तो एक्चुअल में वो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रहा होगा, बट वो स्पीड अपनी क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो ये केस वेरिएबल स्पीड का है, ठीक है, मगर एवरेज स्पीड क्या देती है, उस मोशन की कॉन्स्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वही चीज यहां लिखी है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट कॉन्स्टेंट स्पीड। क्या लिखा है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट कॉन्स्टेंट स्पीड विद विच द बॉडी कवर्स द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। यहां से एस से लेके एम तक क्या थी, सेम डिस्टेंस थी, ठीक, कुछ टाइम इंटरवल में पहुंचा होगा, एज इट गोज वाइल मूविंग, ठीक, एज इट गोज वाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन द सेम टाइम। मतलब एवरेज स्पीड हमें कॉन्स्टेंट स्पीड देगी सेम डिस्टेंस के लिए किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, बट मगर अगर हम उसकी
अलग से स्टडी करें तो हर बार वेलोसिटी क्या हो रही होगी, स्पीड क्या हो रही होगी, चेंज कर रही होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, एज इट गोज वाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। आप ऐसे भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि लेट सपोज करिए दिल्ली से चले इलाहाबाद के लिए, ठीक है, कुछ डिस्टेंस 636 किलोमीटर है, ठीक। लेट सपोज करिए आप 8 घंटे में आप 8 आवर में आप पहुंच गए ट्रेवल करके, ठीक है। पर इस 8 आवर में आपने गैप भी लिया होगा, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का क्या होता है स्टॉपेज, कि कहीं अगर कानपुर बीच में मान लीजिए तो क्या होगा, यहाँ 5 मिनट का होगा, अलीगढ़ हुआ 3 मिनट का होगा, या फतेहपुर हुआ तो यहाँ क्या होगा 2 मिनट का। तो देखिए हॉल्ट क्या है, यहाँ पर अलग अलग टाइम इंटरवल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, टाइम इंटरवल डिफरेंस आ रहा है। और साथ साथ ये भी है कि जो ट्रेन है वो हमेशा पहुंचे स्पीड से चलती नहीं है, स्टेशन के पास आगे धीरे भी होगी, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है, जो इंटरवल है स्पीड का, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, बट अगर हम इसकी एवरेज स्पीड लेंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है 636 किलोमीटर और टोटल टाइम क्या है 8 आवर, तो 636 अपॉन 8 करेंगे तो ये हमें एवरेज स्पीड दिया, क्या दिया एवरेज स्पीड दिया। देख अगर मैं अब कंसीडर करूं इस मोशन को एवरेज स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है कि हर घंटे ये 636 अपॉन 8 किलोमीटर हर आर क्या कर रही है, ट्रेवल करती हुई यहाँ पे पहुंच गई विदाउट एनी हॉल्ट, ठीक है। ये कंसीडर किया गया है, मगर एक्शन में क्या आ रहा है, गाड़ियां तो रुकती हैं, पर एवरेज स्पीड क्या होता रहा है कि अगर हर घंटे इतनी स्पीड ट्रेवल कर दी तो 8 घंटे में ये इलाहाबाद पहुंच जाएगी, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड है, ठीक। वही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर दी है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या कि एवरेज स्पीड क्या होती है। फॉर्मूला तो सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, मगर एक्चुअल में क्या होता है वो रियल लाइफ इवेंट यही है, ठीक। अब इसके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में लाइन के अलोंग ही क्या करेगी, ऑब्जेक्ट अभी मूव करेगी। चलिए मूव करा देते हैं, O से P तक ऑब्जेक्ट मूव किया, ठीक है, कितने सेकेंड दिए यहां से यहां तक जाने में, 18 सेकेंड लिया, ठीक। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, P से किसी पॉइंट Q पर रिटर्न किया, मैं सपोज करी ये पॉइंट क्या है Q है, ठीक है, इन 6 सेकेंड, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लगा, ठीक। वेयर ओपी 360 मीटर, ओपी कितना है 360 मीटर, एंड ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू क्या है 240, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी 360 माइनस 240 मीटर, तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 120 मीटर, ठीक है, तो ये क्या हो गई 120 मीटर, ठीक। अब पूछा व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी और फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ठीक। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहां से इस पी तक की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस, और सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ओ से पी और पी से क्यू तक आने में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस क्या और एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फ्रॉम ओ टू पी, इसकी बात करते हैं ओ से पी की, हमें डेफिनेशन मालूम है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमेशा ये याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चनों में एवरेज स्पीड भी दी रहेगी तो एवरेज स्पीड यहां पर लिख दीजिएगा, हमेशा डिस्टेंस और टाइम निकाल के तभी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब ये दे दीजिए यहां से यहां तक स्पीड कुछ थी, यहां से यहां स्पीड कुछ थी, एवरेज स्पीड
करके इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टू कर दिया, गलती से ही मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओ से पी के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ, ओ से पी के लिए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल टाइम क्या, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, 360 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, 18 सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया हमारी एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक, यहां पे एवरेज वेलोसिटी लिख देंगे, यहां लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहता है शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है, ओ से पी के लिए ये इनिशियल है, आई से डिनोट कर दिया, और ये क्या हो गई हमारी एफ हो गई। तो मींस क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच क्या है, 360 मीटर का, और टोटल टाइम कितना है, 18 सेकेंड। तो क्या हो गया, ये भी क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ओ टू पी के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ का भी मैं एक कंक्लूजन और निकाल दूंगा, ठीक है, नोट करवा कर भी लिखवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं, एक पार्ट हमारा पूरा हो गया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकल गई। अब बी की बात करते हैं, क्या है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ओ से पी जाएगा और फिर पी से वापस क्यू की तरफ आएगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी यहां पर, ये देखिए। अब बार बार टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस देखिए क्या है, यहां से यहां तक ट्रेवल की 360 किलोमीटर, 360 मीटर, और फिर पी से क्यू के लिए कितनी की, 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 360 प्लस 120, और टाइम कितना हो गया, यहां से यहां तक ट्रेवल 18 सेकेंड, और यहां से यहां तक ट्रेवल 6 सेकेंड। तो मीन्स क्या हो गया, 18 प्लस 6 सेकेंड। अब जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 0, 8, 4, और ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे ही लिखिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होगी, ओ से पी और फिर पी से क्यू की तरफ जब आएंगे तो क्या होगी, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, बस यही एक पॉइंट है, अगर अच्छे से आ गया तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी क्वेश्चन हो एवरेज के। आपको एवरेज के बारे में मैंने बता दिया, इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी वही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। देखिए इनिशियल तो यह है, मगर अब क्या है, ओ से पी गया और पी से क्यू आया, तो एक्चुअल में इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट हमारा क्या, और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सिर्फ ये है। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 240 मीटर, क्या होगा, 240 मीटर। अब देखिए टोटल टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक गया 18 सेकेंड और यहां से यहां आया 6 सेकेंड, तो मीन्स हो गया 24 सेकेंड। अब ये मत करिएगा कि सर ये इनिशियल ये फाइनल है तो हम टाइम भी इतना ही लेंगे, नहीं, टाइम तो पूरा लेंगे ना, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, तो पूरा टाइम कितना हुआ, 24 सेकेंड में ये यहां पहुंचा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात की है, और टाइम जो होता है वो स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ोगे कि टाइम जो क्या है, हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो उसको हम रैंक ऑफ जीरो टेंसर बोलते हैं। तो अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए अपने लेवल पे कि टाइम जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, अब टाइम स्केलर क्वांटिटीज है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपलीफाइड होगा, तो 18 सेकेंड और इधर से क्यू पे, पी से क्यू की तरफ आया तो 6
6 सेकंड कवर किया, तो टाइम कितना हुआ 24 सेकंड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल से फाइनल के बीच की, जो कि क्या है हमारी 240 मीटर। तो देखिए आंसर क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपका सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा हमेशा, वो ये है कि जो एवरेज स्पीड होगा या तो वो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के। और ये अभी हमने देख लिया, अगर मैं ओ से पी तक की केवल कंसीडर कर रहा था जब मोशन, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या था, इक्वल था, इसलिए मैंने ये इक्वल का साइन लगा दिया। पर अब सेकेंड केस में क्या हुआ, क्यू के केस में एवरेज स्पीड ज्यादा थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, कम थी, इसलिए एवरेज स्पीड या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे कम होगा। ये कंसीडर कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनके बीच का 240, मगर डिस्टेंस क्या होगी यहां तक की, ओ से पी गया और पी से क्यू आया, कितना होगा 360 प्लस 120, मीन 480 मीटर होगा। यहां से यहां, यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 480 मीटर, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240, मीन डिस्टेंस हमेशा क्या है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो ये दो चीज दिमाग में एकदम बांध लीजिए, कभी ये मत कर दीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से आगे निकाल दिया आपने। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके इस टॉपिक को बंद करते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे जनरल और कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स टू अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट, मीन अपने घर से क्या कर रहा है मार्केट के लिए निकला। ठीक है, जो कि टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, इसके स्पीड डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर, मिस मार्केट से होम की जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 किलोमीटर, और किस स्पीड से गया, गया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सडनली देखा जो उसमें मार्केट क्या बंद, ही फाइंड द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली वॉक बैक विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, और बड़ी तेजी से भागता हुआ घर की तरफ वापस पहुंच गया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हमें फाइंड ये करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, मीन पूरे केस की एवरेज वेलोसिटी हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मैन ओवर द इंटरवल 0 to 30 मिनट के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए, फिर 0 to 50 मिनट के लिए वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पहला वाला केस देख लेते हैं, सिंपल है, मैग्नीट्यूड चाहिए, मिस डायरेक्शन तो हमें मालूम ही नहीं है, अगर डायरेक्शन का केस ले नहीं रहा, मैग्नीट्यूड का केस ले रहे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पूरे केस की है, ये क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या, पहले यहां से ये यहां गया और फिर यहां से वापस यहां है, मीन जो इनिशियल पॉइंट थी वही इसकी क्या है फाइनल पोजीशन है, मीन इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ठीक, और टाइम का तो अगर मैं टोटल टाइम में लिखूं तो कोई मतलब नहीं है यहां फाइंड आउट करने का, क्यों, क्योंकि आंसर तो है मालूम है 0, क्योंकि किलोमीटर में जो है किलोमीटर पर आवर, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या 0, तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पहले की 0। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, इसलिए मैंने बोला तो पहला वाला क्या है आसान है, दूसरा वाला देखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मैन ओवर द इंटरवल 0 to 30 and 0 to 50 मिनट। देखिए यहां पे स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है स्पीड दी हुई है, मैंने यही बोला था ना आपसे कि अगर एवरेज स्पीड पूछे तो हमेशा डेफिनेशन याद रखो,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। ये याद रखिए, ये नहीं जो स्पीड थी, ये दोनों को जो है डिवाइडेड बाय टू, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक केस पर्टिकुलर होता है जिसमें सही होता है, मगर जनरल याद रखिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसी से ही ड्राइव हुआ है, इसी से ड्राइव हुआ है वो वाला भी केस, ठीक है। मगर जनरल ये कि आप ये याद रखें तो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, हमें मालूम टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर जाना है, फिर 3 किलोमीटर वापस आना है। तो हमें मालूम है कि भैया डिस्टेंस तो हमें मालूम है, पर टाइम नहीं मालूम, मगर स्पीड हमें मालूम है। तो देखिए, लेट होम से मार्केट जाने के लिए 6 किलोमीटर पर आ, तो इसके लिए लेट सपोज करते हैं T1 कुछ क्या होगी, टाइम टेकन होगी टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट। लेट T1 बी टाइम टेकन टू रीच मार्केट फ्रॉम होम, ठीक। और मार्केट से होम पहुंचने में क्या लग रहा है, T2 टाइम। तो T2 भी टाइम टेकन टू रीच होम फ्रॉम मार्केट, ठीक है। इतनी बात हुई कि हमने माना कि होम से मार्केट जाने में T1 लगा, कितना लगा, T1 लगा, और मार्केट से यहां आने में T2 टाइम लगा, ठीक है। ये हम कंसीडर कर लिए, ठीक है। अगर ये इसको यहां तक तो मैं मिटा दे सकता हूं, जो फाइंड करना केवल और सारी इंफॉर्मेशन तो डायग्राम में है ही है, और ये भी खत्म हो गया, तो इसको भी हटाइए, ठीक। तो अब क्या निकालेंगे, पहले हम T1 T2 निकालेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रॉम H टू M की बात करते हैं, H से M के लिए, ठीक। हमें मालूम क्या होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी याद रखिएगा। डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर, ठीक है भैया 3 किलोमीटर। और टाइम क्या है, T1। तो T1 क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आवर। हाफ आवर को हम मिनट में क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट। मीन्स T1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 मिनट। मीन्स जो आदमी है वो होम से मार्केट पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम एंड टू एंड, मीन्स मार्केट टू होम, when he finds that market is closed, ठीक है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू, फिर वही घिसे पिटी कहानियां, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, आने की 9 किलोमीटर पर आ, डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर है, टाइम कितना है T2 है, T2 क्या हो जाएगा 3/9, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आर ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा 1/3 आर। अब 1/3 आर को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो T2 टाइम लिया वो क्या लिया, 20 मिनट। जो T2 टाइम है वो क्या है, 20 मिनट, ठीक है। चलिए
देखिए जगह कम है इसलिए बागों में जमीन डालना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसे भी हटा सकता हूँ मैं। अब देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया T1 T2, T1 क्या है, T2 क्या है, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है। अब हम गेम शुरू करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितने इंटरवल का है, 0 से 30 का, ठीक है, 0 to 30 मिनट का। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। देखिए 0 से 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 से 30, T1 मीन्स एच से एम पे ही जा पाया है T1, 30 सेकेंड, 30 मिनट में कितना जा पाया है एच से एम, मीन्स 0 से 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया है होम से मार्केट तक का, ठीक है। इसका ला होम से मार्केट तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, अरे यार बार बार नहीं लिख रहा मैं, अब टोटल डिस्टेंस आप समझिए एवरेज का, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है जो होम से मार्केट का होगा, क्योंकि 30 मिनट के लिए पूछा गया 0 से, यहाँ t इज इक्वल टू समथिंग 0 होगा, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा t इज इक्वल टू 30 मिनट, तो मीन्स डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, टोटल 3 किलोमीटर, और टाइम कितना था 30 मिनट, टोटल टाइम कितना हुआ 0 से 30 कितना हुआ, टोटल टाइम 30 मिनट। हमें तो आंसर किलोमीटर पर आना चाहिए, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आर एम कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 आर, और 2 क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा 3 × 2 किलोमीटर पर आर, में 6 किलोमीटर पर आर, ये हमारी होगी एवरेज स्पीड किसके लिए, 0 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी देखिए क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल ये फाइनल 30 मिनट के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 किलोमीटर, और इस पर टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट, 30 मिनट को मैं 1/2 आर लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिखा दिया सॉल्व करके, फिर ये ऊपर जाएगा, टू ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब सेम रहेगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका आंसर, 0 से 30 मिनट के केस का आंसर खत्म। अब हमें फाइंड करना है 0 से 50 मिनट का, किसका, 0 से 50 मिनट का। और 0 से 50 मिनट का टाइम देखना है तो टोटल टाइम कितना होगा, 0 से 50, सीधी सी बात है, मीन टोटल टाइम कितना होगा 50 मिनट हो गया, ठीक। अब देखिए 50 मिनट को ऐसे देखिए, यहां से यहां गया 30 मिनट में, और यहां से यहां गया 20 मिनट में, तो 30 + 20 क्या हुआ 50 मिनट, मीन 50 मिनट में ये होम से मार्केट गया, फिर मार्केट से क्या हो गया होम पे आ गया, ठीक है, अपने घर पहुंच गया। तो अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर आया, इसका मतलब 6 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया 50 मिनट, कितना लिया 50 मिनट, टोटल टाइम कितना लिया 0 से 50 मिनट 50 मिनट, इसका मतलब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, डिवाइड कर दूं 60 से, तो आर कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 35/35 होगी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, यह तो आपको मालूम पड़ गया होगा, यहां से यहां गया 50 सेकेंड में, फिर यहां से इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसका ना टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल टाइम 50 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करो चाहे ना करो, आंसर हमारा क्या गया 0 किलोमीटर पर आर कर लीजिएगा इसको 60 करके, ठीक है।
क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, चलिए तो ये इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इसमें एक चीज ऐड कर दूं मैं आपसे, ये पूछूं थर्टी से फिफ्टी मिनट के बीच में क्या एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है, ये मैंने ऐड किया है इसमें, नहीं है मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं अगर एवरेज वेलोसिटी स्पीड की बात करूं तो क्या होगा, देखिए 30 मिनट पे कहां था ऑब्जेक्ट, यहां पे, और 50 मिनट पे कहां है, यहां पे, मीन टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने 30 से 50 मिनट के लिए, 3 किलोमीटर। ठीक, और टोटल टाइम कितना है, तो कितना होगा 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 मिनट। अब इस 20 मिनट को आप क्या करिए, आर में कन्वर्ट करिए तो क्या होगा 60 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 3 ऊपर गया तो क्या जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, यह आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो यहां से यहां तक के लिए क्या हुआ, अब ये हमारे लिए इनिशियल हो गया, ये हमारे लिए फाइनल हो गया, क्योंकि 30 मिनट इनिशियल है और 50 मिनट फाइनल है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वही 3 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया 20 मिनट, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फिर आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर स्पीड दी हो 2, 3, 4 तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और टाइम मालूम होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कभी ये मत करिएगा कि स्पीड दे दी 3, 4 तो दोनों सबको सम करके डिवाइडेड बाय 3, 4 जितनी एवरेज वेलोसिटी वो कर दे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।